मॉर्निंग, सुबह का टाइम है, 8:30 हो रहे हैं और आज फाइनली मास्टर बेडरूम को मैं सेट करने वाली हूँ। मैंने डिस्टेंस ना इतना रखा है यहाँ पे और वहाँ पे उतना रखा हुआ है और मैं नई वाली बेडशीट इस पर बिछाऊंगी जो कि मैं लेके आई थी सोच के जब ये बेड मैंने ऑर्डर किया था उसके बाद। लेकिन ये बेड को लाइक आने में, सब कुछ चीज़ें सेट होने में पूरा 1.5 महीना लग गया। इतना बड़ा वाला बेड नहीं है ये हमारा ना, ऐसे भी कर रहा था कि क्योंकि चार्जिंग पॉइंट वो थोड़ा उधर को है तो थोड़ा बेड इधर को करूँ, बट मैंने इस तरह से ज़्यादा छेड़ने की कोशिश नहीं करी। और इसके ऊपर लगेगी वो वाली सीनरी जो कि मैं लेके आई थी, लेके आई नहीं थी, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर पे लगा के देती हूँ। तो मेरे को डाउट हो रहा है कि मैं इसके ऊपर अगर चढ़ी ऐसे पैर लेके ऊपर को तो कहीं ये टूट ना जाए। बेडशीट है जो कि मैं इस वाले बेडरूम के लिए लेके आई थी, आई थिंक मैंने आपको शायद दिखाई भी थी ये वाली, तो मुझे कलर बड़ा प्यारा लगा था तो आज इसको बिछाते हैं। आज इसका फाइनली दिन है, परसों शाम को हमारा मैट्रेस आया था तो कल मैं सारा दिन बिजी थी तो मैंने सोचा आज तसल्ली से ना अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा के फिर पोछा वगैरह लगा के उसके बाद बेडरूम को सेट करती हूँ और थोड़ा सा ना ही पर्दे खोल लेती हूँ। इन पर्दों के बीच में सोच रही ना कि वाइट कर्टन लगाऊं, पिल्लो कवर और बस सेम कलर का बेडशीट है। पानी, मुझे लगता है मैट में ना पानी था। हाँ, अरे वाह, देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये झोला मेरे किसी काम का मुझे नहीं लगता है, अगर है भी तो मुझे यूज नहीं करना, तो मैं हाउस हेल्पर को दूंगी अगर उनको अच्छा लगा तो, क्योंकि उनको ये आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो ये आप ले लो। ये क्या है, ले लोगी? क्या डालोगे इसमें? ये चादर का है क्योंकि चादर तो मैं बिछा रही हूँ, ऐसे तो मैं इसको यूज कर सकती थी, ऐसे कुछ भी डाल के रखना हो, जुराबे वगैरह या कुछ भी, बट मैंने सोचा आपको दे देती हूँ। आपके काम का है काम आएगा ना? हाँ, ये नहीं, चादर इसमें पैक थी ना ये। हाँ, ये इसका पिल्लो कवर है। तो मैंने जब ली थी, जब हम सिटी गए थे और जब ये बेड आया था उससे थोड़े दिन पहले ऑर्डर करा था। सो ये बेड का तो फिर गद्दे का ही दिक्कत इतना हो गया था, तो गद्दे की वजह से फिर ये फंक्शनल नहीं थी, तो आज फाइनली ये बेड हमारा फंक्शनल हो जाएगा। ये लो झोला। छोटे छोटे शहरों से गाने धुन 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 हम गाना सुना आपने? बोलो। डरा देती मेरे को, एकदम से डरा देती है। हम तो झोला। और ये वाले ना मैं ना फेंकती नहीं हूँ, इसको संभाल के रखती हूँ, कभी कभी ये काम आते हैं, ऐसे कुछ कबर्ड में साफ करके नीचे लगाओ एंड उसके ऊपर से कपड़ा वपड़ा रख लो तो फिर इनको मैं संभाल के रखती हूँ चीजों को। हाय, कितना प्यारा कलर है ना ये, मस्त सा कितना सुंदर एंड ब्रीदेबल लग रहा है। मेरा ना कैमरा बीच में चल नहीं रहा था, मैं बड़ी परेशान हो गई, मेरे का यार फोन का कैमरा अगर खराब हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बट ठीक हो गया। यार इसमें तो काफ़ी सारा मेरे को कन्फ्यूज़न लग रहा है कि बेडशीट कैसे बिछाएंगे। सपोज़ मुझे बेडशीट बिछानी है तो मैं गद्दा ऊपर को उठाऊँगी तो जिस नीचे स्लेट्स लगी हुई हैं तो वो तो फिर खिसक जाएंगी, फिर उनको ठीक करो, ऐसे करो, कैसे हो सकता है यार, मतलब आप लोग बताना। और नीचे ना झाड़ू पोछा लग चुका है, उसके बाद मैं सब सामान उठा के नीचे फेंक रही हूँ अपना, ताकि मैं ये बेडशीट बिछा पाऊँ। और बिछाते बिछाते मेरे दिमाग में यही ख्याल आ रहा है कि इस तरह से बार बार गद्दा उठाएंगे, स्लेटें इधर उधर होंगी तो कहीं टूट ना जाए। मेरे को पता क्या है कि बस 1-1.5 साल बेड हमारा अच्छे से चल पड़े। वैसे तो लोगों ने इतने पॉजिटिव और इतने अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं कि प्रियंका ऐसे थोड़ी है, IKEA का बेड ऐसे नहीं टूटता, आपको देखने में लग रहा है कि ऐसा है, इसका काफ़ी अच्छे से चलेगा। तो बस मैं ये बेडशीट बिछाने का एक तरीका और आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग किस तरह से बिछाते हो। और यूजुअली जिन लोगों ने कमेंट किया उनमें से 2-3 लोग इंडिया से थे, बाकी सब लोगों ने मुझे बोला कि हम लोग फॉरेन में यहाँ पे रहते हैं, हम लोग यहाँ पे IKEA का ही सामान यूज़ करते, इवन IKEA का जो असेंबल करने का तरीका है उनको अच्छा लगता है, कि ये बड़ा मज़ा आता है, एकदम ऐसा लगता है कि दिमाग का लाइक अच्छा लगता है उनको। ये देखो यार ऊपर को हो गए तो फिर से इनको ठीक करना पड़ेगा, तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताना अगर आपको इसके बारे में पता हुआ। फाइनली हमारा जो बेड एंड बेडशीट एंड मैट्रेस एकदम फिट आ गया और ये रूम अब हमारा
मतलब जो हमारा मास्टर बेडरूम है वो तैयार है। तो खुशी तो होती है यार कि कहाँ एक रूम में रहते थे। मैं उस चीज़ को भूलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो मेरा एक लाइक वो अच्छा टाइम था, उस एक रूम में रहना, वहीं पे खाना बनाना, है ना, उसी वही लिविंग रूम, सब कुछ वही। तो उस चीज़ ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। थोड़े सा मैं जो मैट्रेस है उसको मैं चादर के अकॉर्डिंग सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड इसका कलर देखो कितना प्यारा लग रहा है मैट्रेस का, एंड ये जो चादर है एंड जो भी कर्टन है कितना प्यारा मस्त लग रहा है। अगर हम यहाँ पर वाइट कलर का कर्टन लगाएंगे तो शायद वो भी बढ़िया लगेगा। लैंप है जो उस वाले उन वाले बेड के साइड में जाएंगे, ये वाला। सो अभी साइड टेबल आएगा तब हम लोग फिर और अच्छे से सेट कर पाएंगे। तो मैंने टेम्परेरी ऐसे सेटिंग कर दिया इसका। देखो इसके साथ मस्त जाएगा ये, दोनों साइड सेम कलर का वो रख के ना अच्छा लगेगा। बस अपने अकॉर्डिंग रख दिया क्योंकि सुबह सुबह उठ के टाइम देखना होता है, एंड चश्मा और एसी का रिमोट क्योंकि इनको होता है कि फटाफट एसी बंद करो। मस्त इसके साथ जाएगा। जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए लगा तो भाई मैंने जो सामान है ना सब बाहर रखा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ी खुशी होती है जब चीज़ें सेट होती है। अगर यही चीज़ें मैं ऑफलाइन करती, ऑनलाइन ना चीज़ें रहती इतनी, है ना, तो मुझे उतना वेट नहीं करना पड़ता और अभी तक हमारी सब चीज़ें सेट हो जाती। तो ऑनलाइन चीज़ें लेने का थोड़ा नुकसान भी हो जाता है, बट ठीक है। और ये वाला मैं ना अभी लगाऊंगी नहीं, बस मैं ऐसे थोड़ा सा ना देख रही हूँ कि कैसा लगेगा अगर मैं यहाँ पे इसको लगाती हूँ। आई थिंक वाइट वाली बेडशीट के साथ एंड कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है, पर थोड़ा बेड छोटा लग रहा है मेरे को। आपको लग रहा है कि नहीं आप बताना मेरे को। बाकी पीछे वॉल पे लगाने के लिए तो ये सीनरी तो काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये गद्दा दूसरे वाले बेडरूम में रख रही हूँ मैं क्योंकि थोड़ा सा वो खाली रहेगा तो अच्छा लगेगा। ये बेड हमारा मेरे को लगता है हौच पहुँच हो जाती, जो भी फालतू सामान होता है मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और अभी मुझे फ़ोन आया है कि भैया मैंने उनको बुलाया था कि मंदिर मुझे सेट करवाना है। ऐसे मैंने टेबल हमारा है उसके ऊपर मंदिर रखा हुआ है, तो वो भैया बोल रहे कि मैं आ गया थोड़ी देर में। तो फिर ये कपड़े प्रेस करके मैंने इनके रख दिए उनको, अब मैं देखूँगी कल। और जब दूसरे वाले के साइड बेड साइड टेबल आ जाएंगे ना, सो वो जो वहाँ पे मैंने रखा है वो यहाँ पे मैं रख दूँगी। उस दिन जब मैंने इसको डेकोरेट किया था ना तो यहाँ पे मैंने वो सब सामान रख दिया था, और वहाँ पे मैंने उसके लिए नया मंगाया है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, बहुत ही रिजनेबल रेट पर मुझे ये मिला। और जो दूसरा मेन बेडरूम में मैंने रखा है वो है, मैंने H&M से लिया है। उसके और इसके टेक्स्चर में फ़र्क तो बहुत है, ये थोड़ा बड़ा है एंड इसका ये वाला टेक्सचर है वो वाइट कलर का है। ये थोड़ा महंगा है एंड वो अफोर्डेबल है, बट ये बहुत सस्ते मिले मुझे फ्लिपकार्ट से। इतने मस्त लगते हैं ना ये कॉम्बिनेशन जो सब है। मैंने ना कुछ सोच के नहीं लिया था, ऐसे ही लिया और इन सब के साथ ये मैच हो रहा है। बस कर्टेन्स का कलर थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। वाह, कर्टेन का कलर इसके साथ मैच हो गया, इसके साथ एंड कर्टेन के साथ, क्या बात है, वाह। और इसको फोटो को मैंने यहाँ पे रख दिया। ये ब्रिस्टा वाली बॉटल हमेशा मेरे साथ रहती है, मेरे को बड़ी प्यास लगती है पानी पीने की। था कि मैं यहाँ पे कुछ ये कॉर्नर है ना यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल लगाऊं, और देखो इतनी सारी जगह बच गई तो यहाँ पे भी मेरा जो ड्रेसिंग के लिए कुछ करना हो ना तो वो आराम से हो सकता है। और इधर तो इतनी सारी जगह है तो इस बेड को थोड़ा सा अगर हम इधर को खिसका देंगे ना ये वाले कॉर्नर यहाँ तक और उधर को साइड टेबल, तो भी बहुत मस्त मस्त वाली सेटिंग हो सकती है मास्टर बेडरूम की। दरवाजों के साथ, दीवार के साथ सब कलर मैच हो गया। और मेरा मन है इन फ्यूचर कि मैं इस वाले बेड को ना वाइट कलर का पेंट करूं। और यार मैंने आपको तो एक चीज बताई नहीं, ये इसका स्टोरेज है, ये देखो, मतलब इसको अलग भी कर सकते हैं, ऐसे कहीं और भी रख सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे रख लो, वो देखो उधर से वो निकल गया। सो कुछ भी मतलब यहाँ पे रख सकते हैं, बेडशीट या फिर एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। अभी तो मैंने कुछ रखा नहीं है इधर। शाम का बज गया 5:45, वॉक करके आई, नहाई, कपड़े चेंज किए, उसके बाद मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि उसके बाद चाय पीने का मज़ा अलग होता है। और ये भी आ गए तो इनको रस खाना था चाय के साथ। और छोटी सी मैंने बड़ी इलायची डाली, और कल सुबह हो सकता है हम लोग सिटी जाएँ इसलिए मैंने दाल भिगो के रखी है, और चाय में लैक्टोज फ्री अमूल का दूध डाल के बना रही हूँ। इससे पहले पी चुकी हूँ, इस वाले दूध की चाय अच्छी लगी, कोई ख़ास डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आया। तो गाढ़ी भी बहुत है और टेस्ट में कुछ ज़्यादा ख़ास डिफरेंस नहीं है।
गुड मॉर्निंग, टाइम हो रहा है 9:20। नहा के मैं तैयार हो गई हूँ और आज मैंने कॉटन का प्यारा सा ट्राउज़र पहना है और टी शर्ट पहनी है। लास्ट टाइम जब मॉल गए थे मेरी तो बैंड बज गई थी, इतना मोटी मैंने पैंट पहन ली और ऊपर से टी शर्ट भी इतनी मोटी थी मेरी, मुझे गर्मी बहुत लग रही थी, घुटन से हो रही थी, इसलिए आज मैंने बहुत कम्फर्टेबल कपड़े पहने हैं। मेरे जो फ्रेंड है उनको कुछ फर्नीचर लेना है, बेड या सोफ़ा ऐसा कुछ, तो हमको भी होता है कि चलो हम भी थोड़ा आउटिंग कराएंगे, बाहर रेस्टोरेंट में खाना वाना खा लेंगे। और हेयर स्टाइल ना मेरे को समझ नहीं आता क्या बनाऊँ मैं, क्या हेयर स्टाइल बनाऊँ, बाल धो फिर स्ट्रेट करो, मुझे आती है आलस इतनी ज़्यादा, इसलिए मैंने ऐसे ऊपर ऐसे रबड़ लगा के, रबड़ मैं उस दिन आपको पता है मॉल से लेके आई थी तो गुत्त कर लूँगी, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। कुछ कुछ लोग मुझे बोल रहे थे लास्ट टाइम जब मैंने गुत करी थी कि अच्छी नहीं लगती गुत आपके ऊपर, पर लिटरली बताऊँ मुझे अपने आप पे गुत काफ़ी अच्छी लगती है। और मेरे बाल लंबे भी हो चुके हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम कटवाए थे बहुत टाइम पहले, सो पता है बाल कटवाना आसान होता है बट जब लंबे करने होते हैं ना तो बड़ा वो होता है, बट लंबे बाल मुझे लगता है अच्छे लगते हैं, छोटे बाल उतने अच्छे नहीं लगते हैं। एनीवेज मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो तो हमने चाय के साथ रस खाए हैं और उसके बाद दाल बना के रख दी है, चावल मैंने बना के रख दिए है डाइनिंग टेबल के ऊपर ठंडा होने के लिए, जब ठंडा हो जाएगा तो मैं फ्रिज में उठा के रख दूँगी। झाड़ू पोछा हाउस हेल्पर आ गए थे उन्होंने लगा दिया है, उसके बाद कपड़े मैंने धो दिए और अंदर ही रख दिए कपड़े ताकि हमारा पीछे से बारिश वारिश लगे तूफान आए तो फिर टेंशन रहती है, बंदा टेंशन फ्री होकर जाए तो अच्छा लगता है। कई बार ये बोलते हैं कि रहन दी झाड़ू पोछा लगाने से, आज कोई काम भी मत कर बस चाय बना और चलते, मेरे को तो नहीं यार झाड़ू पोछा लगाना है, खाना का शाम को घर आके खाएंगे बाहर नहीं खाएंगे, तो बस वही मैं तैयार हो रही। बड़ा अच्छा लग रहा है यार बेडरूम में तैयार होना, बेड पर बैठ के आराम से जुराबे पहनने, मैंने सोचा मैं जुराबे पहन के रखा करूँगी, ये बाहर इस लिविंग एरिया में रखा है मैंने स्टैंड। दाल हमारी बस थोड़ी सी रह गई है ठंडी होने के लिए, उतनी सीटी लगा नहीं पाई मैं क्योंकि जल्दी जल्दी मैं बनाई है दाल, पता नहीं कैसी बनी होगी, टेस्ट भी मैंने करके नहीं देखा है। टाइम 10:10 हो गए, थोड़ी सी भूख लग रही थी इसलिए रोस्टेड मूंगफली मैं खा रही हूँ, मूंगफली मुझे बड़ी अच्छी लगती है बट मेरे को मना किया है गर्म चीज़ें खाने के लिए, बट फिर भी मैं खाती रहती हूँ। और ये कांच का कंटेनर मैंने धो के सुखाने के लिए रखा है जिसको मैं आके कुछ ना कुछ इसमें रिफ़िल कर दूँगी, तो फिर मैं मेरे को होता है कि काम ख़त्म करके जाओ, टेंशन रहती है। पानी की बोतल लास्ट टाइम लेके नहीं गई थी साथ में, इसलिए पानी की बोतल को मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ, इस बार वो गलती मैं नहीं करना चाहती। इनका वेट कर रही हूँ कि आए तो मैं सोफे पे थोड़ी देर के लिए आराम से बैठ गई। गाड़ी में पहुंच के इतनी गर्म गाड़ी और ये फ़ोटो मैंने क्लिक करी है, मुझे सेम होम टाउन से ऐसा गाड़ी में रखने के लिए लेना है क्योंकि मुझे इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी लगी। और होम टाउन में पहुंचे सीधे एसी चल रहा था, बहुत अच्छा बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन उसके बाद चली गई लाइट, फिर 1.5 घंटा बिना लाइट के बिना पंखे के हमको रुकना पड़ा, तो मेरी तो बैंड बज गई। उसके बाद हम लोग आ गए मॉल में, लंच किया एंड मैंगो फेस्टिवल लगा हुआ था तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था नीचे, और एक दूसरे मॉल में जाना था बट वहाँ पे हमको पार्किंग नहीं मिला तो हम लोग आ गए वापस अपने घर की तरफ। जस्ट अभी वापस आए हैं, शाम का 6 बज रहा होगा, इतनी थकान हो गई। एक्चुअली मेरी जो फ्रेंड है ना उनको ना होम टाउन से कुछ फर्नीचर लेना था, जो भी यहाँ पे न्यू लोग आते हैं ना तो वो कुछ ना कुछ नया, मतलब जैसे कि अभी 2 BHK 3 BHK घर होता है सबके पास, सो बेड हो गया या कुछ भी है कि पहले हमारे पास भी नहीं था, हम लोग भी धीरे धीरे सो वो सब लेना था और मुझे कुछ होम टाउन में देखना था। तो आज सारा दिन इतना हेक्टिक रहा कि क्या बताऊँ, दूसरा होम टाउन में लाइट नहीं थी सो उस वजह से ना बहुत होच पोच जैसे लग रहा, लेकिन खुशी बहुत होती है चाहे मैंने कुछ सामान खरीदना हो चाहे किसी और ने खरीदना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट होती है। अगर हमें 3 BHK मिला तो हम एक बेड और लेंगे, फिर हम इसको किड्स बेड बना देंगे या फिर कोई गेस्ट आता है उसके लिए, एंड अपने लिए फिर हम थोड़ा सा बड़ा वाला बेड लेंगे अगर मिला तो। मैंने सोचा व्लॉग को एंड करने से पहले मैं आपको सामान दिखा देती हूँ, ज़्यादा नहीं कुछ लाई हूँ, ये 2 लेने थे मुझे, मतलब थोड़ा सा सामान लाई हूँ और फिर मैंने एक लिया क्योंकि जब मैंने लिया मुझे लगा इस पे ऑफ है बट इस पे ऑफ नहीं था। और जैसे ही मैं घर पे पहुंची तो मेरे को मेरा पार्सल मिल गया, ये यार बहुत अच्छे हैं, 398 के इतने सारे डब्बे, 1 2 3 4 कितने यार 4 5 6 7
7 पीसेस का है और दो मैंने पहले लिए थे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने इसको पार्सल को खोल के यहीं पे रख दिया। मैंने कहा कल लगाऊंगी। और ये मैंने इस वाले ब्रांड के दो कुशन कवर लिए हैं, मुझे ये वाले कलर के चाहिए थे। H&M पे बहुत महंगा मिल रहा था, मुझे पसंद था, मैंने मंगवाया भी था, आपको बताया था ना H&M का, वो बड़ा बहुत बड़ा था, ये 18x18 और होम सेंटर पे ना 50% ऑफ लगा हुआ यार। ये एक आई थिंक थोड़ा महंगा है, एक ठीक है, तो दो मैंने इस तरह के से लिए हैं। मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ, वैसे मैंने रेस्ट करनी थी थोड़ी देर में, इतना थक चुकी हूँ, मेरे को होता है कि चलो अब क्या रेस्ट करनी क्या सोना। ये मुझे मिला है 229 रुपीस के चार टेबल प्लेसमेंट, जो कि मुझे ग्रे कलर में चाहिए थे, थोड़ा अच्छा भी लगता है एंड वाइट में मिल नहीं रहा था एंड इतना सस्ता और ऑफर में, इतना ऑफर लगा यार होम सेंटर पे ना, अगर थोड़ा सा टाइम होता हमारे पास, हम थके नहीं होते तो शायद हम और एक्सप्लोर करते, और एक्सप्लोर में तब भी करते अगर मुझे पता होता हाँ भाई कि मेरे को नया वाला घर मिल गया है, तो उसके हिसाब से मैं कुछ ले सकती थी, पर फिर मैंने इतना सा ही लिया। ओवरऑल कहने का मीनिंग है कि सारा दिन 7-8 दिन घर पे रहती हूँ तो उतना बाहर नहीं निकल पाते, तो फिर मेरे को थोड़ा सा होता है कि चल बाहर निकल के आएँ, थोड़ा घूमें फिरें, है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये भी मेरे को मेरे एक सब्सक्राइबर ने रेकमेंड किया था, और बहुत अच्छा है, फ्रिज में कुछ स्टोर करना है तो आपके लिए बढ़िया रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ना स्टोर हो जाती है। और क्या लिया, हाँ एक मैं एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ, इसको रखूँ दूसरे वाले बेडरूम में, इस वाले बेडरूम में AC चला के मैं आराम से सो रही हूँ और ये निकल गए हैं अपने काम पे। इसे कह रहे अभी आप लोगों को घुमा दिया, अभी मैं जा रहा हूँ अपने काम पे, इनका चलो ठीक है आप काम कर लो, थक तो ये भी बहुत गए थे, मिरर भी लगा ये एंड ये कैसे मैच हो गया, अच्छा लग रहा है। ये वाला जो प्लांट है ये मैंने होम टाउन से लिया था, लोग पूछते रहते ना, फिर जब मेरे को याद आता तो मैं ट्राई करती हूँ कि नहीं मैं उनको बता पाऊँ। इसको पहले दूसरे बेडरूम में रख के आऊँ, इस वाले बेडरूम का गद्दा ऐसे गिर गया, ये अभी खड़ा ही नहीं हो रहा ऊपर को, तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है बाद में करेंगे, बहुत गर्म लग रहा है रूम, ये रूम हमारा बंद रहता है, यहाँ हम बहुत कम आते हैं, प्रेस करने के लिए आते हैं। वाला प्लांट क्या, फ्लावर, वाइट फ्लावर वाला, होम टाउन से, इसका एक्चुअल प्राइस तो ये था बट इसमें 40% ऑफ था तो फिर मैंने इसको ले लिया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सुंदर लग रहा है ना, मैंने इधर ही रख दिया जैसे ही एंटर करें हम। चाय बनाने का दिल तो मेरा कर रहा है पर मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा रुक जाऊँ, वो जाते रहे ना, मैंने पैन ऐसे रखा हुआ था कि आगे मुझे पता है मुझे चाय पीनी है, इस तरह से सब आज फटाफट से काम किया था मैंने सुबह सुबह, तो क्योंकि मुझे पता था कि जाना है, फिर आके ना रात को खाना घर पे ही खाएं तो ज़्यादा सही रहता है ना, रोज़ बाहर का खाना, जैसे बाहर का पैक करा के बोल रहे थे कि लेके आना है, पैक करा के तो ले आ, मैंने बोला नहीं पैक नहीं कराना, घर पे खाना है। तो बस मुझे रोटी बनानी है, दाल चावल तो आपके सामने मैं बना के गई थी, थोड़ा सा ना मैं नलका के धोती हूँ ये वाला, एनीवेज थोड़ी वाले मैं रेस्ट करूँ, उसके बाद मैं चाय बना के पीऊँगी, 15-20 मिनट रेस्ट करती हूँ। और आज वैसे मैंने आपको बता ही दिया संडे है, शाम का 6 बज रहा है, कल मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था और आज ख़त्म इसको कर रही हूँ, और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको एडिट करके आज अपलोड कर पाऊँ, नहीं तो क्या होता है जब मैं मॉल जाती हूँ तो मेरा उस दिन व्लॉग नहीं आ पाता, तो मेरे को है कि नहीं भैया व्लॉग जाना चाहिए, बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं और जब नहीं आता ना तो मेरे को व्हाट्सएप पे एकता मेरे सब्सक्राइबर है एंड संदीप मैम, तो वो मुझे कॉल करते हैं मैसेज करते हैं प्रियंका तो सब ठीक है ना व्लॉग नहीं आया, और ना मैं बात नहीं कर पाती, कभी कभी मेरे से वॉक करने जाती तो बात कर दो उसे, बट कभी कभी मेरी बात ही नहीं हो पाती किसी से, तो मुझे उस चीज़ का काफ़ी रिग्रेट लगता है, अगर अब फिर से शिफ्टिंग होगी तो फिर से 2-2.5 महीना लग जाएगा चीज़ों को सेट करने में। सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे ना इस बेड के लिए आएगी और मेरे को बड़ा पछतावा हो रहा था, मैंने आई कैसे क्यों बेड लिया, काश मैं होम टाउन से बेड लेती, उन्होंने 29,000 के करीब बेड लिया किंग, और बहुत अच्छा है, काफ़ी सॉलिड सा, काफ़ी सारे ऑप्शंस थे मेरे अवेलेबल, क्योंकि यहाँ पे होम टाउन है, होम टाउन का जो स्टोर है, सो इतना प्यारा प्यारा फर्नीचर था, है ना, मुझे अच्छा लग रहा था, तो काश थोड़ा वेट करती मैं, मैंने हड़बड़ाहट में ले लिया, मुझे अब लगता है, पर फिर क्या पता 3 रूम वाला घर मिल जाए तो फिर हमारे को भी एक और बड़ा वाला बेड हम लोग ले पाएंगे, नहीं तो फिर ना अगर हम उधर को गए तो फिर ये वाला बेड गेस्ट रूम में जाएगा एंड दूसरा वाला जो मम्मी वाला बेड है
वो बेड पे दूसरा वाला गद्दा लगा के वो सेटिंग हो जाएगी, और जो तीसरा रूम होगा उसको मैंने सोच के बड़े सपने से सजाया मैंने, उसको मैंने भारत का स्टडी टेबल लगा के इनकी बुक्स वगैरह वहाँ पे लगानी है। फिर भी उसके बाद काफ़ी सारा वहाँ पे स्पेस बचाएगा, तो मुझे वहाँ पे बड़ा वाला अपना जो है मंदिर सेटअप करना है वहाँ पे, मैंने ऐसा सोचा। अदरवाइज जो हमारे इस घर में मंदिर है वो जो दूसरे वाला रूम है ना वहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। लोग बोलते हैं कि मंदिर कहाँ लगाया, मंदिर तो उन्हें दिखाया नहीं, दिखाया नहीं। सो वो जो बेडरूम है ना वहाँ पे मैंने कल शाम को ही भैया आए थे तो मैंने उनको बोला कि उस वाले बेडरूम में वो मंदिर हमारा लगा दो, क्योंकि अभी उसमें कोई आता जाता नहीं है, ऐसे वो हमारा रूम है तो मुझे वो सही लगा प्लेस। तो उन्होंने लगा तो दिया, फिट तो कर दिया, पर मेरे को ये था कि चले गए तो फिर वो निकालना पड़ेगा, पर मैंने भैया को कब का बोल के रखा होता तो वो कल आए तो मैंने बोला भैया कोई बात नहीं आओ फिट कर दो, तो उन्होंने वो फिट कर दिया वहाँ के लिए। फिर मैं थोड़ा इससे बड़ा वाला मंदिर मैंने सोचा है कि मैं पूरा अपना पूजा का जो मेरा मंदिर है तो उसको मैं बहुत अच्छा वाला वहाँ पे सजाऊंगा, ऐसा मैंने सोच के रखा है। मुझे नहीं लगता कि वो शायद घर बहुत बड़ा है कि हम उसको शायद इतना यूज़ नहीं कर पाएंगे, मुझे लगता है कि नहीं हो जाएगा। ये भी देखो गद्दा वहाँ पे रखा है तो कितनी होज पोज जैसी नहीं हो गई। एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडे, आपसे मिलती हूँ नए ब्लॉग में, बाय बाय।